प्रथम तहलका न्यूज। इस हफ्ते के लिए बड़ी खबर मेवात से। आपको बता दें कि मेवात में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि मेवात में हिंदू विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया है और इसी को मुद्दा बनाकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि मेवात के जिला सचिवालय पर ये जोरदार प्रदर्शन किया गया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। आपको बता दें कि इन कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदुओं को मेवात से बाहर खदेड़ने की कोशिश हो रही है और इसका एक वीडियो भी वायरल किया जा रहा है। तो वहीं कार्रवाई न होने पर प्रदेश में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौ रक्षा को लेकर भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं और FIR न होने पर प्रदेश में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि मेवात में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा ये जोरदार प्रदर्शन किया गया है। मेवात में हिंदू विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया है और इसी को मुद्दा बनाकर ये प्रदर्शन किया गया है। जिला सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि इन कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मेवात से हिंदुओं को बाहर खदेड़ने की कोशिश हो रही है और इसके लिए एक वीडियो भी वायरल किया जा रहा है। आपको बता दें कि इन कार्यकर्ताओं ने गौ रक्षा को लेकर भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं और FIR दर्ज न होने पर प्रदेश में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। उनको तो देखते हैं, ये तो चलती आ रही है। अब जैसे हमारा काम है गौ रक्षा करना, और यदि हम गौ रक्षा अपनी रक्षा और गौ रक्षा ही नहीं कर पाएंगे तो बेकार है। जो सरकार ने या सरकार के नुमाइंदे ने, जैसे प्रदीप जी ने अभी बताया, हमारे हमें मुखबरी मिली कि भाई गौ तस्करी हो रही है, गौ माता को काटा जा रहा है। तो ये वहाँ उनको पुलिस को लेकर साथ गए, साथ वहाँ एक्चुअल में गौ काटी जा रही थी तो उनको पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने बच्चे इकट्ठा करके माहौल ख़राब करने की कोशिश, ये वीडियो जो दिखाई गई है ये काट पीट के दिखाई, आप जैसे कह रहे थे वीडियो गलत दिखाई गई है, काट पीट के दिखाई गई है। यदि गौ माता कहीं कटती होगी तो हथियार क्या गोली क्या, हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो हम वो करेंगे और ये आंदोलन पूरे भारत में करेंगे। ये काम पुलिस का है, पुलिस का है, पुलिस ने अपना काम नहीं किया। पुलिस ने उनके खिलाफ जो इन्होंने पकड़ के वो बच्चे दिए, लड़के दिए थे, उनके ऊपर केस दर्ज करने की बजाय हमारे गोरक्षकों पे केस दर्ज कर दिया। ये बर्दाश्त नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री से ये हमारी अपील है, इसको जल्दी से जल्दी इस केस को देखा जाए, हमारे इन बच्चों को ऊपर जो FIR दर्ज की है उनको कैंसिल किया जाए। जो दोषी थे और जो गाय काट रहे थे और जो इसमें पुलिस वाले भी जो दोषी थे उन्होंने इस पर कार्रवाई नहीं की, उन पर भी कार्रवाई की जाए। कह रहे पुलिस साथ गई, गौ माता बच जाती पुलिस साथ जाती, और ये आंदोलन रेवाड़ी नहीं पूरे भारत में चलेगा यदि ऐसा हुआ तो। प्रदीप जी, किस लिए आज एजुकेशन? ऐसा है जी, यहाँ पे कल हमारे कुछ गोरक्षक साथियों के ऊपर, अभी वैसे तो पुलिस ने नाम नहीं लिखा है लेकिन उसमें अज्ञात का नाम लिखकर जो है कि FIR दर्ज करी गई है और वो वीडियो का हवाला दिया गया है उसके अंदर, एक जिस वीडियो के अंदर हमारे गोरक्षक साथी वहाँ पे पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए गोरक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि जी पुलिस के ऊपर हम अग्रिम यहाँ पे सूचना मुख्यमंत्री को दे रहे हैं कि अगर हमारे पुलिस के द्वारा हमारे गोरक्षक साथियों के ऊपर अगर कोई आँच आती है तो उनके साथ हजारों लाखों की संख्या में पूरे हरियाणा भर से जो है कार्यकर्ता हमारे गोरक्षक जेल भरो आंदोलन चलाएंगे और सरकार के खिलाफ एक आंदोलन और पुलिस के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया जाएगा। क्योंकि हाँ जी बताओ, हरियाणा में ऑलरेडी बिल्कुल गो हत्या कर दी, इसके बावजूद हरियाणा के अंदर इस तरह से तस्करी हो रही है। तो कहाँ जरूरत पड़ी कि क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करी? पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, पुलिस को बार बार फोन करके जो है संदेश दिया गया, बाद में एक पुलिस की गाड़ी आती है वो साथ में जाती है तो भी पुलिस दूर हटती है वहाँ पे ना जी, वहाँ पे उस तस्कर को पकड़ती नहीं है, गाय को काटने से रोकती नहीं है। तो गाय को जब वहाँ पे आंखों के आगे कटता हुआ देखा तो हमारे गोरक्षक साथी वहाँ पहुँचे और उसको जो है कसाई को जो गो हत्यारा है उसको अलग किया और उसको पुलिस के सपोर्ट कर दिया। बस अलग अलग तरह की वीडियो वायरल हो रही है। हाँ जी, जैसे गोरक्षक उनके हाथों में हथियार है और वो खींच रहे हैं उनको, तो जो कानून के नजरिए से हम देखें तो वो तो गलत है। देखो जी, जो हथियार है वो आत्मरक्षा के लिए है, अगर हथियार से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और हथियार है वो वैध है, उसके लाइसेंस है उनके पास ना जी, और हथियार का उपयोग सिर्फ आत्मरक्षा से है, ना कि किसी को वाहियात में डराना, ना गुंडागर्दी करनी, ना कोई ऐसा विषय है। तो हथियार का प्रयोग तो देखो अपने आत्मरक्षा के लिए तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी अनजान जगह पे जा रहे हो और किसी दूसरे गांव में जा रहे हो तो उस लिए तो जाने से पहले क्या सूचना दी गई? पुलिस को सूचना दी गई थी और पुलिस बहुत देरी से आई थी, पुलिस को बार बार सूचना देने के बाद बड़ी लेट लतीफी से पुलिस आई थी। हालांकि उस गांव में जब पहुंचे, जब पुलिस साथ थी
अब आगे क्या रहेगा अपना? ऐसा है जी, अगर कार्रवाई करती है पुलिस, अगर हमारे जो गोरक्षक साथी है उनका अगर नाम बाय नेम अगर जो मुकदमा दर्ज करेगी और उनको अगर गिरफ्तारी करने की अगर बात पुलिस करेगी तो वहाँ पे हम सब गिरफ्तारी देंगे और पुलिस को जो है ये FIR दर्ज करने के लिए हमारा विनम्र आग्रह है और मुख्यमंत्री जी को कि इस FIR को रद्द करें, ये झूठी है, बेबुनियाद है। गौ हत्या वहाँ पर हो रही थी, उस गौ हत्या को रोकने के लिए हम लोग वहाँ गए थे, बस इतना सा विषय है। इसको गौ हत्यारों को सजा दी जाए, उसको ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है जी। गौ हत्यारे जो व्यक्ति हैं उनको फांसी की सजा कम से कम दी जाए, ये हमारा आग्रह है।